ये आवाम के अरमानों की आंधी है। इस आंधी को तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस आंधी की बुनियाद एक आंगन में है। वो आंगन अरविंद के आंधी में बदलने के बीच तूफान में खड़ा रहा है। अरविंद केजरीवाल दुनिया भर में जागरूकता की लौ जला रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी होना सुनीता के लिए कितना बड़ा दबाव है। लेकिन इस दबाव से डरे बिना जिंदगी में इस मकाम को आगे ले जाना अगर अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी तो कई मायनों में सुनीता की मजबूरी भी थी। आज अरविंद केजरीवाल का कमाल तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस कमाल को धैर्य के सांचे में बहुत मुश्किल से गढ़ा है सुनीता केजरीवाल ने। सुनीता हर कदम पर खुशी हो गम हो साथ रही हैं और धीरज के साथ। चुनौती तो बड़ी है, लेकिन जनता पूरी साथ है और जनता ही काम करेगी, इसमें अरविंद अकेले नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बुलंद शख्सियत के नीचे कुछ सपनों की कुर्बानियों की बुनियाद है। एक ऐसी बुनियाद जो चुपचाप सहती रही उनके शख्सियत का बढ़ता हुआ वजन बिना धसे हुए। अरविंद केजरीवाल की कहानी संभावनाओं और संघर्षों की एक अनंत कहानी है। कई बार आलोचना से घिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन एक जिद्दी योद्धा। अनशन, जेल और आलोचनाओं से सन्यासी की तरह टकराने का साहस यूं ही नहीं आ जाता। हमलों के तीर से बिंधे हुए केजरीवाल को आगे बढ़ते जाने की ललक के पीछे कुछ खामोश चेहरे भी हैं। इन चेहरों का अपना संघर्ष है जिसे कोई नहीं जानता। उन्हें वीआईपी नहीं बनना, उन्हें एक आम आदमी की तरह जीना है, बस उन्हें ये भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। मुझे लगता है पापा ये लड़ाई जीत जाएंगे और मतलब पूरा लोकपाल वो सब ले आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा। सैकड़ों रातें इन बुजुर्ग आंखों ने जाग कर काटी है बेटे के इंतजार में, और दिन से की है छोटे हो जाने की प्रार्थना। जंतर मंतर पर जब अरविंद की सांस और सपनों के बीच का फासला रोज बड़ा हो रहा था, गाजियाबाद के कौशाम्बी में सिमटा हुआ एक कुनबा एक दूसरे की आंखों में नई सुबह का सूरज खोज रहा था। बचपन में भी इसकी विल पावर स्ट्रांग थी और अब भी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और बचपन से भी गरीबों से बहुत हमदर्दी ये सब, और अब देश के लिए ये सब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कभी डर लगता है? कभी कभी लगता है। भगवान की इच्छा है, भगवान जो चाहेगा होगा, वो उसके चमत्कार है, ये उसी की प्रेरणा से होगा, नहीं तो ये इस लाइन में जाते ही क्यों, हर एक आदमी नहीं जा सकता। आईआरएस पत्नी, दो बच्चे और माता पिता, एक सहूलियत भरी जिंदगी के सारे साजो सामान मौजूद थे केजरीवाल के पास, लेकिन इस सुकून वाली जिंदगी की छाओं से ज्यादा बड़ा अरविंद को संघर्ष लगा। संघर्ष बदलाव के लिए, इसी मकसद ने उनके जिद की आंधी को हवाओं पर सवार कर दिया था। ये आम आदमी की जीत है, ये आपकी जीत है, ये इनकी जीत है। इस बार चुनाव आम आदमी लड़ा, चुनाव आम आदमी लड़ाया और आम आदमी इस देश के अंदर जीता है। इसके बाद की कहानी हम भी जानते हैं और आप भी, लेकिन ये वो कहानी है जिसे किस्मत की कलम नहीं कठोर अनुशासन के पसीने से लिखा है केजरीवाल ने। रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो, तो रात को खुद पोल्स के ऊपर बिजली के पोल्स, तीन चार बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है। यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी। टाटा का इंजीनियर समाज कल्याण का महकमा मांग रहा था, नहीं दिया तो नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, आईआरएस हुए और फिर उसे भी ठोकर मार दिया। दुनिया उनके हर फैसले को आत्मघात कह रही थी और केजरीवाल उन्हें अवसर में बदलते जा रहे थे। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस छोड़कर जब अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि वो परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, तो उनके अपने ही दोस्त थे जो उन पर हंस रहे थे कि आखिर क्या हासिल हो जाएगा, लेकिन आज वही दोस्त हैं जो उन पर नाज करते हैं और उनके तमाम खुलासों पर उनकी पीठ थपथपाते हैं। 38 साल की उम्र में मैग्सेसे अवार्ड यूं ही नहीं मिल जाता। अरविंद केजरीवाल ने जनता के आक्रोश और अधूरे वायदों के बीच सियासत की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके दोनों तरफ लालच और लूट की रियासतें सिमटती जा रही हैं। राजा बदल रहा है, राजनीति बदल रही है,
रास्ते बदल रहे हैं, रवायतें बदल रही हैं। बदलाव की इस बयार में हम भी बदल जाते तो ये बगिया भी बदल जाती।